गाइस केआरके किसी ने देखा केआरके को मिसिंग केआरके को देखा आपने? नहीं देखा ये फोटो देख लो आप भाई। आज इसका भरता बनेगा बैगन का नहीं चुकंदर का गाइस। वेल दोस्तों इस बंदे ने क्या ही बताऊं बेहद ही तंग करके रख दिया है। ठीक है यार तू कई फिल्मों के बुराई कर कई फिल्मों के तू कुछ भी कर हमें मतलब नहीं है, लेकिन गदर 3 वाहियात फिल्म, गदर 3 वर्स्ट फिल्म एंड स्त्री 2 को भी टारगेट करते हुए स्त्री 2 के साथ कंपैरिजन गदर 2 का गाइस, सनी देओल को हर बार ट्रोल करना गाइस कब तक चलेगा दोस्तों ये बंदा। अब इसके पीछे एक सॉन्ग आई थी आपने सुना होगा? नहीं सुना? अरे साला किसी ने भी इसका सॉन्ग नहीं देखा भाई, इतना वाहियात सॉन्ग था ना कि इसको भी उल्टी आ गई अपने सॉन्ग के रिव्यू करने में। भाई इसका सॉन्ग मैंने पूरा देखा था, आज से एक महीने पहले रिलीज किया गया था और भाई क्या सॉन्ग था यार, क्या सॉन्ग था। सॉन्ग सुन कम रहा था मैं और हंसी ज़्यादा आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी ऐसा लग रहा है कि एक बाप जो है दो लड़कियों से रोमांस कर रहा है। अरे भाई इसकी शक्ल देखो यार, नाला सुपारा की सुपारी जैसी हो रही है और ये बंदा दो लड़कियों से रोमांस कर रहा है। लड़कियाँ भी कह रही कि भाई बस पैसे मिले हैं इसीलिए कर रही हूँ, वरना तू तो भाग ही जा। क्या ही बताओ यार, इतना घटिया सॉन्ग और इतना घटिया एक्टिंग, भाई इतनी घटिया एक्टिंग को कैसे कर सकता है यार ये बंदे रिव्यू कर रहे हैं। अरे पहले तू अपने थोबड़े के रिव्यू कर गाइस, अपने थोबड़े के रिव्यू कर भाई। तू जिस फिल्म को तू वाहियात और भोजपुरी और गटर बता रहा है पहले तू अपने आप को देख कि तू है क्या। तू अपने आप को देख पहले भाई, नाला सुपारा के नाले के बराबर के समान हो चुका है तू और भाई सब शक्ल पे बैटरी लगी हुई है और ऐसी हंसी हंसता है केआरके। जानते दोस्तों केआरके किसकी पूछ है, किसकी पूछ है नहीं पता भैया, केआरके ठीक है, समझ गए बस इशारा ही काफ़ी है। सो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों रोस्ट करेंगे केआरके को, क्यों करेंगे, स्त्री 2 को बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों छोड़ो स्त्री 2 को यार, गदर 2 को भोजपुरी फिल्म बता दी भाई इसने, सोशल मीडिया पे गटर बता दिया पूरा भाई साहब। इस भोजपुरी फिल्म ने पता नहीं कितने इंटरनेशनल फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अभी भी दोस्तों बदनाम किया जा रहा है। हाँ जी सही पकड़े, जैसे कि कुछ लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं ऑफकोर्स। चलो ठीक है यार, ये भी बदनाम कर रहा है केआरके, सन्नी पाजी को फालतू के लिए बदनाम कर रहा है ताकि उसके व्यूज आ सके। ऐसे दोस्तों 50 साल का यूट्यूबर हो जो मुझे भी बदनाम कर रहा है केआरके की तरह, जैसे केआरके सन्नी पाजी को बोल रहा है, थर्ड क्लास का एक्टर सन्नी पाजी को बोल रहा है कि इसका टाइम जा चुका है, बेकार एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, गदर को गटर बता दिया था इसने। एक ऐसे ही 50 साल का यूट्यूबर है जो मेरी बेइज्जती कर रहा है अपनी वीडियो में, पिछले एक महीने से मुझे बदनाम किया जा रहा है, बोल रहा है कि फेक आईडी बना के मैं लाइव में आ रहा हूँ। एंड आज की वीडियो में लिखा सच की जीत में जब मैंने एक बार किसी के मुंह से सुना और मैंने एक बार देखा भी कहाँ है सच की जीत, तो पता चला साला ये तो बेवकूफ बना दिया भाई, चूतिया काट दिया हमारा। पता चल रहा है कि फेक आईडी इसने बनाई थी वो डिलीट कर दी। अबे बनाई किसने थी चाचा? भाई चाचा तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम युवा पे ही छोड़ दो। अरे कहाँ यार तुम इस पकड़ों में पड़े हुए, इस चक्करों में पड़े हुए कहाँ यार, जाओ यार आंटी जी के साथ टाइम स्पेंड करो, चाय भाई पियो, बच्चों के साथ जाओ यार, कहाँ मेरे पीछे पड़ गए हो यार। अरे पीछे पड़ना है तो किसी बांग्लादेश पे बनाओ मूवी, बांग्लादेश पे थोड़ा सा जो भी हादसे हो रहे उस पे बनाओ, तो बड़े पत्रकार हो भैया, काहे का हमारा दिक्कत दे रहे हो भाई। क्या बताए यार मनीष चाचा, थोड़ा शर्म करो, फेक आईडी डिलीट कर दिया जिसने डिलीट किया, लेकिन बदनाम हम क्यों हो रहे हैं बाबा, हमारा तो बैगन भरता आप बना ही रहे हो और हम तो आपके चरण छू रहे हैं। भैया मनीष शर्मा जी प्लीज ऐसा मत करो। तो गाइस ऐसे ही हाल केआरके भी बदनाम कर रहे हैं सन्नी पाजी को, जैसे ये भाई साहब हमें बदनाम कर रहे हैं और हमें घंटे ही नहीं फर्क पड़ता है और ना हम इनको जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक सब्र का बांध खत्म हो जाता है तो यार अपन ने रुद्र रूप में आना पड़ता है, भैया भोले बाबा भी तो आए थे रुद्र रूप में, मैं भी आ गया, इसने क्या गलती कर दी। सो गाइस बता दूं कि ये जो केआरके है सस्ती कॉपी केआरके
बहुत बड़ा क्रिटिक्स कहने वाला अपने आप को, जो कि कह रहा है कि गदर 3 फिल्म जो है वो फेक कलेक्शन हुआ था और जी ने अपने ही टिकटें खरीद के कॉर्पोरेट बुकिंग किया और इसके कलेक्शन को बढ़ाया गया, 2 दिन में 20 करोड़ बढ़ाए गए। यहाँ तक कि दोस्तों ये स्त्री 2 को ये बोल रहा है कि स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन एक तरफ स्त्री 2 की बैंड बजा जा रहा है भाई, श्रद्धा कपूर की बेइज्जती में बेइज्जती किया जा रहा है भाई। स्त्री 2 ने मात्र आज भी स्त्री 2 जो है 172 करोड़ कमा चुकी है। आज सुबह का पोस्टर देखा मैंने ग्रॉस में, और आज के कलेक्शन आने के बाद ये 250 करोड़ पार हो जाएगा गाइस, पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करता हूं मैं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गदर 3 वाहियात फिल्म 51 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है 51 करोड़ की, सो वाई नॉट स्त्री 2, ये भी वाहियात है। दिनेश विजयन अमर कौशिक की बुराई पर बुराई किया जा रहा है, और भैया इसका तो काम ही है, इसको कहीं समोसे नहीं मिलते हैं तो ये बुराई करने लग जाता है। इसको पता है दोस्तों जिस फिल्म को ब्लॉकबस्टर ये हो जाती है उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी नेगेटिविटी करता है, उसको पता है कि साला अच्छे रिव्यू दूंगा तो कोई देखेगा नहीं, और मैं तो जानबूझ के नेगेटिव रिव्यू दूंगा ताकि मुझे एक लोग सीरियस ले ले मेरे को और मुझे गालियां दे। वो गालियों से ही कमा रहा है गाइस, गालियों से कमा रहा है भाई। उसके साथ ही क्या हुआ फिर इसके बाद ये बोलने लग गया कि जो स्त्री 2 मूवी है जियो सिनेमा भी इसकी हाइप को बढ़ा रहा है, एंड जियो सिनेमा की जानबूझ के इसकी 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, उसकी जियो सिनेमा के शेयर बढ़ जाएंगे, मतलब कुल मिला के जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे आ सकती है स्त्री 2। आप देख सकते हो दोस्तों पहले जिस हिसाब से हाइप बनी पड़ी है, सुनने में तो आ रहा है कि बहुत तगड़े ओटीटी राइट से बिकेगी स्त्री 2, लेकिन फिर भी स्त्री 2 को इसने बहुत वाहियत फिल्म बता दी है। कह रहा भाई मेरा सर में दर्द हो गया इस फिल्म को देख के, और जो ये फिल्में हैं हॉरर यूनिवर्स की वो घटिया और वाहियात है, और जब देखता हूँ मैं स्त्री 2 की बात में हमेशा गदर 2 की बात मिला देता ही है। एक तो किस्सा ये हो गया कि वो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 60% जो क्या बोलते क्या ये फिल्म चल रही है सिंगल स्क्रीन में चल रही है, 40% मल्टीप्लेक्स से धंधा कर रही है। वही दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि 40% सिंगल स्क्रीन से 60% मल्टीप्लेक्स से, वहाँ भी ये क्या बोलते हैं ट्रोल कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। गाइस KRK जो है आपको क्या ही बताऊँ, कुल मिला के ये तंज कस रहा है। देखो KRK हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप अगर जानबूझ के सन्नी पाजी को लेके आओगे किसी भी फिल्म के बीच में, देखो स्त्री 2 की बुराई करनी है तुम करो, मुझे दिक्कत नहीं है, हम स्त्री 2 को सपोर्ट करें करेंगे, लेकिन सन्नी पाजी के फैंस को दिल को तोड़ना हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसके लिए सन्नी देओल फैंस को कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा हम लेंगे गाइस। दोस्तों ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। गदर 2 हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर है, गदर एक फिल्म नहीं इमोशंस है, एंड इस इमोशंस के खिलाफ कोई भी जाएगा आवाज से आवाज, ताली से ताली और ईंट से ईंट बजा देंगे दोस्तों, चाहे वो KRK हो या SRK हो या कोई भी चीज हो, या PRK हो या LRK हो या NRK हो या जो भी KRK PRK जो भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे गाइस। और ये आपको बता दूं कि जो ये हेट कर रहे हैं जानबूझ के बोल रहे हैं गदर 2 वर्स्ट फिल्म है, और गदर 2 अगर वर्स्ट फिल्म है भाई साहब आपको बता दूं अगर ये फिल्म जनता को पसंद आई, जो फिल्म जनता को पसंद आती है इसका मतलब उन फिल्मों में बात होगी। अब जनता तो एजेंडा बना के तो जाएगी नहीं ना कि भैया गदर 3 को सुपर हिट ही करना गदर 2 को, भाई जनता को गदर 2 अच्छी लगी, जनता को स्त्री 2 अच्छी लगी, अब तुम ऐसी फिल्में बनाते क्यों नहीं जो जनता को अच्छी लगे, तुम बनाते ऐसे टट्टी ऐसी फिल्म हो। और तूने तो भैया अपना कौन सा सॉन्ग निकाल दिया साला, 1 घंटे में 40,000 व्यूज आया, जिसको अमिताभ बच्चन ने शेयर किया, जिसको टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया, जैकी श्रॉफ ने शेयर किया, पूरा बॉलीवुड इसके सॉन्ग को शेयर किया दोस्तों, टी सीरीज के चैनल पर आया, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट वाहियात सॉन्ग इसको कोई नहीं देखा भाई, उल्टा इसको गालियां पड़ी कि भाई साहब क्या ही बना रहा सॉन्ग, तू रहने दे भाई, तू घर पे जाके मैगी बना, तेरे बस का सॉन्ग नहीं है, ये काम मुझ पर छोड़ दे यार, मैं अगर होता तो शायद दोनों लड़कियां भी खुश हो जाती, लेकिन भाई साहब क्या बताऊं। सो KRK जी ये रोस्टिंग वीडियो आपके लिए था, प्लीज आप जिसकी बुराई करना चाहो करो, लेकिन प्लीज हर फिल्म में गदर 2 को हर बार ये बोलना वाहियात वर्स्ट बुरी फिल्म फ्लॉप फिल्म भोजपुरी फिल्म गटर फिल्म ऐसा ना कीजिए, ये एक मैसेज है प्यार से बोल रहे हैं, वरना सनी देओल फैंस को इकट्ठा करके जवाब दिया जाएगा और इतने कॉमेंट पड़ेंगे सनी देओल फैंस के। दोस्तों आपसे अनुरोध है सनी देओल फैंस, प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी भी KRK जो है बुराई पर बुराई किया जा रहा है सनी पाजी के खिलाफ, अगर आप सनी पाजी के सच्चे फैंस हो तो प्लीज कॉमेंट करके हर बंदा 50 बार कॉमेंट करेगा और KRK को रोस्ट करने के लिए उसे कमेंट करके बताओ दोस्तों क्या कहना चाहते हो उसके बारे में, और क्या आपके क्या जवाब होंगे KRK को क्या जवाब देना चाहोगे आप कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे बंदे जो सन्नी पाजी के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनके लिए क्या जवाब दोगे दोस्तों कमेंट करके, प्यार देते रहो दोस्तों। सन्नी देओल जिंदाबाद, हरकुल खेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, एंड गाइज सन्नी पाजी की बहुत सारी फिल्में आ रही है तो एक बार KRK प्लीज भैया छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और 2.5 किलो का हाथ के बिना फिल्म अधूरी है सन्नी पाजी की। जी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत,
प्यार देते रहना। और दोस्तों एक और चीज़, मैं आज रात लाइव जो है हो सकता है कि 10 या 10:30 बजे आऊँ, तो अगर आप अवेलेबल हो तो आ जाना, नहीं तो फिर मैं तो आ ही जाऊँगा दोस्तों, 10:30 तक आऊँगा, आज संडे है, जग जाना यार मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।